Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. Friends, स्वागत है आपका Knowledge the Ambition के हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल GK के सेशन में. ये हमारा पार्ट 4 है GK सेशन का, जिसमें हमने 900 क्वेश्चन जो आपके सिलेक्ट किए नॉलेज द एम्बिशन की तरफ से, तो इसका ये पार्ट 4 है. इससे पहले की 3 वीडियोस आपकी चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी है. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो. अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे. इस वीडियो में हम मोस्ट अप के जो टॉप 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पर ये डिस्कस करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था. तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कंपनियों में से किसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था. सोनी ने, ग्रैनिंग ने, पैनासोनिक ने या टेलस्ट्रा ने. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. यानी जो सोनी आपकी एक मोबाइल कंपनी है, इसके द्वारा जो ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया गया था. ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सोनी द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी. तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा एक आविष्कार किया गया था, जिनके द्वारा उनको नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु जो है एक निधि स्थापित की थी उन्होंने, और उन्हें स्थापित करने के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी. तो आपको बताना है कि नोबेल अल्फ्रेड का वो आविष्कार कौन सा था. स्टीम इंजन था, ऑटोमोबाइल था, डायनामाइट था या टेलीफोन था. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार है डायनामाइट, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित की गई और जिसके लिए उन्हें एक धनराशि दी गई थी डायनामाइट के आविष्कार के लिए. तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि. आपको रीजन बताना है कि बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरती है. बर्फ ठोस होती है और पानी तरल. ऑप्शन बी आपका, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है, या बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है आपको बताना है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत जो है कम होता है, इसी कारण से जो है बर्फ पानी पर तैरती है. को याद रखना है, जो घनत्व होता है बर्फ का वो पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए वो पानी पर तैरती है बर्फ. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है. यानी नासा का जो मिशन है जूनो, वो किससे संबंधित है. शनि से, मंगल से, बृहस्पति से, या इनमें से कोई नहीं. तो नासा द्वारा जो ये मिशन लॉन्च किया गया था आपका जूनो नाम का, तो इसका संबंध किससे है. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी बृहस्पति से. बृहस्पति से संबंध है नासा के मिशन जूनो का. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है. जो आपका प्रकाश वर्ष होता है वो निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, वेग का, काल का, खगोलीय दूरी का, या फिर प्रकाश की तीव्रता का. तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो मात्रक होता है खगोलीय दूरी का. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष. नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था. आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था. भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892. तो आपको बताना है कि किस अधिनियम ने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है. भारत में स्थानीय स्वायत्त जनक शासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड रिपन को. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी लॉर्ड रिपन को. भारत में लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, बॉम्बे नगर निगम, इलाहाबाद नगर निगम, कोलकाता नगर निगम या मद्रास नगर निगम। तो जो भारत का पहला नगर निगम है मद्रास है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत का पहला नगर निगम मद्रास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि स्लेती भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है, जो आपकी स्लेती भाषा है निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है, तो सिंधी की, बंगाली की, उड़िया की या पंजाबी की। तो जो आपकी स्लेती भाषा है वो निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है। आपकी स्लेती एक बोली है मुख्य रूप से, ये किस भाषा की बोली है आपको बताना है, सिंधी की, बंगाली की, उड़िया की या पंजाबी की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो आपकी स्लेती भाषा बोली है ये मुख्य रूप से बंगाली भाषा की बोली है। बंगाली भाषा आपको याद रखना है, इसी का प्रकार है, इसी की मुख्य बोली है स्लेती भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि डाइट किस देश की संसद का नाम है। आपको बताना है कि जो डाइट नाम है वो किस देश की संसद का नाम है, जापान का, रूस का, स्पेन का या इटली का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है डाइट किस देश की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम डाइट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था, 1508 में, 1590 में, 1510 में या 1516 में। तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल अली शाह से जो गोवा छीना था कब छीना था, 1510 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1500 में जो है गोवा छीना गया था पुर्तगालियों द्वारा, यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों द्वारा छीना गया था जो गोवा 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। बक्सर की लड़ाई आपको पता होगा, इसमें मीर कासिम का साथ किसने दिया था आपको बताना है, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला या मीर जाफर या ए और बी दोनों। तो जो आपका शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट था, और साथ ही में शुजाउद्दौला की बात करें तो वो अवध का नवाब था। तो इन दोनों ने साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने जो है वो मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन था वो निम्नलिखित में से किसने चलाया था, आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल लतीफ ने या फिर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, आपको ये याद रखना है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी सभा इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तत्वबोधिनी सभा तो इसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी तत्वबोधिनी सभा जो थी इसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। निम्नलिखित आपको नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की माता जो है किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, इंदिरा गांधी को, मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को जो है वो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया कि भारत में सॉरी पूछा गया कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, जेपी नारायण को, बाबा आमटे को, एसएस स्वामीनाथन को या वर्गिस कुरियन को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी जो आपका फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक भारत में, तो डॉक्टर वर्गिस कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वर्गिस कुरियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है कि किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। आपको उस एजेंसी का नाम बताना है जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी एनएसओ, एनएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है वो आपके भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है। आपको बताना है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक, आपको बैंक का नाम बताया गया कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है आपका किस देश का केंद्रीय बैंक है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है आपका इंडिया का केंद्रीय बैंक है। उसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का या अन्य का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वो है आपका फेडरल रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो आपको बताना है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है। विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन या ये सभी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा जब पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया कि स्विट्जरलैंड के किस प्रथम जीवित व्यक्ति के सम्मान में सिक्के जारी किए गए हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रथम जीवित व्यक्ति के सम्मान में सिक्के जारी किए गए, आपको उसका नाम बताना है। कैट ग्राम, सोफिया मिलोस, रोजर फेडर या मिशेल हुंजिकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी रोजर फेडरर जो कि जीवित व्यक्ति हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, तो इनके नाम पर जो है स्विट्जरलैंड में सिक्के जारी किए गए हैं। और ये प्रथम जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम सम्मान में जो है सिक्के जारी किए गए हैं, रोजर फेडरर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया है कि भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किए गए। आपको बताना है कि भारत में जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, तो प्रथम बार जो है प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है किस राज्य में जारी किए गए। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या यूपी में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका हरियाणा में जारी किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया कि किस क्रिकेट टीम ने 2019 एमसीसी सीएमजे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता। आपको बताना है कि 2019 का एमसीसी सीएमजे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है किस क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। इंग्लैंड, अफ्रीका, इंडिया या न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम द्वारा जो है 2019 का एमसीसी सीएमजे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया कि केंद्र सरकार ने कब तक नेट ग्रिड के ऑपरेशनल आरंभ करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा जो है नेट ग्रिड के ऑपरेशनल आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि कब तक ये नेट ग्रिड ऑपरेशनल आरंभ किया जाएगा। 1 दिसंबर 2019, 1 अप्रैल 2020, 31 दिसंबर 2020 या 1 अप्रैल 2021। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी 31 दिसंबर 2020 तक जो है केंद्र सरकार द्वारा नेट ग्रिड के ऑपरेशन आरंभ की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है कि चंबा जिले का सरौल किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है चंबा जिले का सरौल किस लिए प्रसिद्ध है। भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए, मछली पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, अंगोरा खेती के लिए। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है, जो चंबा जिले का सरौल है वो प्रसिद्ध है भेड़ प्रजनन के लिए। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी जल विद्युत परियोजना परियोजना जो है परियोजना पर किसी और राज्य का नियंत्रण है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजना है जिस पर किसी और राज्य का नियंत्रण है। पार्वती जल विद्युत परियोजना, शानन जल विद्युत परियोजना, करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है, यानी शानन जल विद्युत परियोजना जो है उस ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, लेकिन इस पर जो नियंत्रण है वो पंजाब
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो है आपका नियंत्रण है, पंजाब राज्य का नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम आधुनिक फल संवर्धन संयंत्र की स्थापना की गई, महतपुर में, पांवटा साहिब में, परवाणु में या नालागढ़ में। तो ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है आपका सर्वप्रथम आधुनिक फल संवर्धन संयंत्र की स्थापना परवाणु में की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है आपका क्वेश्चन नंबर, पूछा गया कि कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, 5वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास या 8वीं कक्षा पास। तो आपको पता होना चाहिए कि कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, 8वीं पास इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है कौशल विकास भत्ते का लाभ उठाने के लिए, 8वीं कक्षा पास विद्यार्थी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि अक्षय ऊर्जा दोहन में हिमाचल प्रदेश जो भारत में कौन से स्थान पर है, अक्षय ऊर्जा दोहन में हिमाचल भारत में कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, छठे स्थान पर। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर, यानी अक्षय ऊर्जा दोहन करने में हिमाचल भारत में प्रथम स्थान पर आता है, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, पूछा गया कि केशांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, शिमला में, किन्नौर में, कुल्लू में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है, यानी किन्नौर में, जो आपकी केशांग जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका देहर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है, आपको पता होना चाहिए कि आपको बताना है कि देहर परियोजना निम्नलिखित में के द्वारा निर्मित, NHPC के द्वारा, SJVNL के द्वारा, BBMV के द्वारा या PSEB के द्वारा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है, यानी जो आपका भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा जो है देहर परियोजना निर्मित है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 900 क्वेश्चंस का पार्ट 4, आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसमें उनको जो है ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।